हेलो गाइस गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस विलेज हाउस प्लान के बारे में। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं गाइस, इसकी ये वॉक थ्रू की वीडियो है। डिटेल वीडियो हमारे इसी चैनल में अपलोड किया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये इसकी एलिवेशन आप देख सकते हैं। इसका एलिवेशन का प्लान डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये लेफ्ट साइड का है और ये आपको एलिवेशन इस तरह से आपको मिलेगा। आप अपने हिसाब से भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। आप हमें बताएंगे तो हम उस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग घर के अंदर आएंगे। दोस्तों, हमने बड़ा सा एक डोर लगाया हुआ है, जिस डोर की साइज़ 10 फीट हमने रखा हुआ है। ये आपको छोटा सा एक पार्किंग मिल जाता है। और इस साइड आएंगे तो आपको यहाँ पे फ्लावर के लिए जगह मिल जाता है, जिसकी साइज़ हमने 2.5 फीट रखा हुआ है। इस पार्किंग की साइज़ आपको 8.5 फीट मिल जाता है दोस्तों, 9 फीट मिल जाता है सॉरी। यहाँ पे आप बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। ये हमारा मेन डोर होगा। दूसरे साइड में हमने स्टेयर को बनाया हुआ है। मेन डोर से हम लोग अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल मिल जाता है, जिसकी साइज़ आपको 15 फीट बाई 11 फीट 9 इंच मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, टीवी वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, सोफ़ा वगैरह हमने लगाए हुए हैं। उसके अपोजिट साइड में हम लोग जाएंगे तो आपको यहाँ पे बेडरूम 1 मिल जाता है, जिसकी साइज़ आपको मिल जाएगी 11 फीट बाई 11 फीट। और इसमें आपको एक टॉयलेट अटैच मिल जाता है, जो कि हमने स्टेयर के नीचे में बनाया हुआ है, जिसकी साइज़ आपको 6 फीट बाई 3.5 फीट मिल जाएगा। दोस्तों, इसका डिटेल वीडियो देखना है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहां से भी देखें तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहां से हम लोग बाहर निकलेंगे बेडरूम 1 से, तो हम लोग कॉमन टॉयलेट की तरफ चलेंगे। दोस्तों, ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, जिसकी साइज़ हमने रखा है 7 फीट बाई 7 फीट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बड़ा टॉयलेट है दोस्तों। यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन वगैरह भी लगा सकते हैं। हमने एक शावर भी लगाया हुआ है, एक कमोड भी बैठाया हुआ है। दोस्तों, आप चाहे तो इंग्लिश वाला भी बैठा सकते हैं। उसके अपोजिट साइड में हम लोग आएंगे तो हमें किचन मिल जाता है, जिसकी साइज़ आपको मिल जाएगी 11 फीट बाई 7 फीट, जिसमें हमने एक छज्जा भी बनाया हुआ है स्टोरेज के लिए। और ये अब किचन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। किचन का टाइल्स आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे बाहर, तो हम यहाँ पे सीधे में आपको दिखेगा दोस्तों, ये आपको एक डोर यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आप चाहे तो यहाँ पे स्टोरेज के लिए या फिर पूजा घर के लिए यहाँ पे बनवा सकते हैं। इसकी साइज़ हमने 5 फीट बाई 4 फीट रखा हुआ है। प्रेयर रूम के लिए आप बना सकते हैं इसको, या फिर अगर नहीं तो आप स्टोरेज के लिए बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग बेडरूम नंबर 2 के तरफ चलेंगे दोस्तों। ये हमारा बेडरूम 2 है, जिसकी साइज़ आपको मिल जाती है 11 फीट बाई 11 फीट। ये देख पाएंगे यहाँ पे हमने अलमीरा वगैरह यहाँ पे लगाया हुआ है। टीवी सेल दोनों साइड में हमने अलमीरा लगाए हुए है दोस्तों। अब हम लोग बेडरूम नंबर 3 में चलेंगे, जो कि हमारा इसी के अपोजिट साइड में है। इसकी भी साइज़ आपको सेम मिल जाती है 11 फीट बाई 11 फीट। इसमें भी आपको अलमीरा मिल जाएगा, और आप यहाँ पे दोनों साइड में अलमीरा मिल जाएगा दोस्तों। एक साइड में टीवी वाला है दोस्तों। इसके इंटीरियर आप कलर वगैरह देख सकते हैं। आपको ये अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। दोस्तों, इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो आप इसे ग्राउंड फ्लोर 16 से 18 लाख में बनवा पाएंगे। अब हम लोग यहाँ से घर से बाहर निकलेंगे दोस्तों, और आप इसे फ्यूचर में फर्स्ट फ्लोर बनवाते हैं तो आप रेंट के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि स्टेयर हमने बाहर रखा हुआ है। इसको इस प्लान को हमने रेंट के लिए बनाया हुआ दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर है उनकी रिक्वेस्ट पे। तो ये हमने यहाँ से सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे दोस्तों। तो फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान बहुत जल्दी हमारे चैनल में आएगा, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, टॉप से कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इसका डिज़ाइनिंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।